कहते हैं लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लाइन्स okay before I will start this topic I have a question for you हम कौन से planet में रहते हैं yes earth हम earth पर रहते हैं। earth उन 8 planets में से एक है जो हमारे सौर मंडल में से यानी हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। अब हम जगह जगह पृथ्वी को तो ले जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, इसलिए पृथ्वी का एक स्मॉल मॉडल होता है। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक स्मॉल मॉडल बनाया गया ग्लोब, यानी ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ रियल अर्थ। ओके अब हम पढ़ेंगे लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। व्हाट इज लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षांश रेखाएं यानी लेटिट्यूड लाइंस। लेटिट्यूड लाइंस इज इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ग्लोब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट्स कॉल्ड अक्षांश रेखाएं। इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। यानी लेटिट्यूड लाइंस। इसमें पृथ्वी के केंद्र बिंदु पे सेंटर से जो पृथ्वी को यानी ग्लोब की बात कर रहे हैं, पृथ्वी को टू पार्ट्स में काटती है। इस पार्ट को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके तो ये ऐसे काटती है यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ हेमी पैर इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी को साउथ हेमिस्फेयर यानी क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखाओं के बाद अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड लाइंस? इमेजिनरी लाइंस जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ की गई है। They imaginary lines drawn on globe, from north pole to south pole. It's called longitude lines यानी देशांतर रेखाएं। जो कि सभी अक्षांश रेखाओं को काटती है। ओके अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो पृथ्वी को सेंटर से काटती है, सबसे मेन लाइन सेंटर से जो काटती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी को दो बराबर पार्ट्स में काटती है, ग्लोब को दो बराबर पार्ट्स में काटती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ ईस्ट को बराबर बराबर काटती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में। उसके बाद ये होती है 0 डिग्री। ऐसे करते करते कई हैं